उत्तराखंड के चमोली जिले से दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां रैनी क्षेत्र में एक ग्लेशियर फटने की सूचना मिल रही है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी किनारे बसे लोग अपने मकान खाली करके भाग रहे हैं। ग्लेशियर फटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है, इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। वहीं चमोली जिले के नदी किनारे की बस्तियों को पुलिस लाउडस्पीकर से अलर्ट कर रही है और जल्द से जल्द वहां पर गांवों को खाली कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिव आपदा प्रबंधन और डीएम चमोली से इस घटना की पूरी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री लगातार पूरी स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। खुद सीएम घटना स्थल की ओर रवाना हो चुके हैं। चमोली जिले के सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं सीएम ने। वहीं आला अधिकारियों की आपात बैठक भी बुलाई जा सकती है, ऐसी खबर सामने आ रही है। सीएम त्रिवेंद्र ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चमोली जिले से एक आपदा का समाचार मिला है। जिला प्रशासन, पुलिस विभाग और आपदा प्रबंधन को इस आपदा से निपटने के आदेश दे दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें, सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है। टिहरी के अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी ने बताया कि धौली नदी में बाढ़ आने की सूचना मिलने पर जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। ग्लेशियर फटने की घटना से नदी किनारे बसी आबादी को सतर्क करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ऋषिकेश व हरिद्वार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। चमोली पुलिस के मुताबिक काफी नुकसान की सूचना मिल रही है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। टीम मौके पर जा रही है, उसके बाद ही नुकसान की स्थिति का स्पष्ट आंकड़ा लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर फटने के बाद बांध क्षतिग्रस्त हुआ है, जिससे नदियों में बाढ़ आ गई है। तपोवन बैराज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। श्रीनगर में भी प्रशासन ने नदी किनारे बनी बस्तियों में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। वहीं नदी में काम कर रहे मजदूरों को भी हटाया जा रहा है। घटना को देखते हुए लोगों से अपील की जा रही है कि गंगा नदी के किनारे बिल्कुल न जाएं। शुरुआती जानकारियों के मुताबिक इस समय कुछ लोगों को भी इस सैलाब में बह जाने की सूचना मिली है। ताज़ा जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ।